नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी कुमारी और आप सब देख रहे हैं एसीसी न्यूज टुडे। आइए जानते हैं आज के कुछ ताजा खबरें। सबसे पहले नेशनल न्यूज। कर्नाटक में राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचा हंगामा। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर से पंजाब से दिल्ली तक उबाल, कांग्रेस ने केजरीवाल के घर के पास प्रदर्शन कर आपको ठहराया जिम्मेदार। तो वह जिंदा होता, आप पर लगे आरोप, बीजेपी से एसएडी तक उठी सरकार को बर्खास्त करने की मांग। बैकफुट पर आप सरकार, हाईकोर्ट जज करेंगे मूसेवाला मर्डर की जांच, सुरक्षा में कटौती की भी होगी जांच। नेपाल विमान दुर्घटना में सभी यात्रियों की मौत, चार भारतीय भी थे सवार। राज्यसभा चुनाव में गांधी परिवार ने वफादारों पर लगाया दांव, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और कुमारी शैलजा से बनाई दूरी। अब इंटरनेशनल न्यूज। लोगों को सबसे सस्ता गेहूं का आटा देने के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, मुख्यमंत्री को चेतावनी देकर बोले शहबाज शरीफ। पाकिस्तान सरकार ने शुरू की पीएम किसान योजना जैसी स्कीम, एक तिहाई परिवारों को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। नेपाल विमान हादसा में नेपाली सेना ने दुर्घटना स्थल का पता लगाया, पहचान में नहीं आ रहे शव। तालिबानी क्षेत्रों में आजादी से प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह, यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। यूक्रेन रूस तनाव के बीच अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर सर्बिया ने रूस से किया बड़ा समझौता। ब्राजील में भारी बारिश से तबाही, भूस्खलन और बाढ़ से 35 की मौत, सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर। अब उत्तराखंड न्यूज। बाइक पर निकले सीएम धामी, डोर टू डोर प्रचार करने, चुनाव से एक दिन पहले दिखाया सा अंदाज। पीएम मोदी ने किया केदारनाथ के लोगों का खास तौर पर जिक्र, नाम सुनते ही घाटी में दौड़ी उत्साह की लहर। चुनावी साल में ज्यादा खर्च की थी उम्मीद, फिर भी बढ़ती ढिलाई, अब बजट के पूरे उपयोग की बनानी होगी रणनीति धामी सरकार। चारधाम यात्रा में 26 दिनों के भीतर 12 लाख से अधिक लोगों ने किए दर्शन, 23 लाख पंजीकरण, हेमकुंड साहिब में भी आस्था का सैलाब। सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया फंसे ट्रैकर्स और पोर्टर का रेस्क्यू, आईटीबीपी के अस्पताल में भर्ती। अब स्पोर्ट्स न्यूज। गुजरात ने जीता आईपीएल का खिताब, फाइनल में राजस्थान को दी मात। फ्रेंच ओपन 2022 में 5 सेट में जीते राफेल नडाल, अब नोवाक जोकोविच से होगा सामना। ऑनलाइन गेम खेलकर कैंसर पीड़ितों की मदद कर रहा है एक गेमर। माइक व्लाइकू उर्फ स्टार बीस नॉर्थ अमेरिका में मोबाइल बैटल गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के नंबर वन खिलाड़ी हैं। स्टार बीस ने चैरिटी स्ट्रीमिंग के जरिए पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर फाउंडेशन के लिए $1,00,000 की रकम जुटाई। 41 साल से अजय, रियल मैड्रिड 14वीं बार सीएल चैंपियन, लिवरपूल को 1-0 से दी मात। एशिया कप हॉकी में टीम इंडिया का धमाल, जापान को 2-1 से दी मात। अब एंटरटेनमेंट न्यूज। सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को मारने की भी रची थी साजिश, जेल में तैयार किया था मास्टर प्लान। एक और मां का बेटा चला गया, सिद्धू मूसेवाला की याद में सोनू सूद ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट। मेरे हाथ कांप रहे हैं, सिद्धू मूसेवाला की मौत से टूटा मुनव्वर फारूकी का दिल। श्वेता तिवारी के ब्यूटी और फिटनेस से कायल हुए फैंस, बोले फीमेल अनिल कपूर। अब वायरल न्यूज। एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर चलते वॉकवे पर बोट चलाने लगे 4 लोग, वीडियो वायरल।